हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो अनुच्छेद 370 है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने उसको लगभग ख़त्म कर दिया गया। लगभग ख़त्म का मतलब ये है कि कुछ उसके उपबंध अभी भी लागू रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। और 35A है, इसको भी एंड कर दिया गया है। इसके जो भी उपबंध थे वो लगभग ख़त्म कर दिए गए हैं। और जम्मू एंड कश्मीर पर इसके क्या प्रभाव होंगे और भारत को इससे क्या लाभ हो सकता है, जम्मू एंड कश्मीर को क्या लाभ होगा, ये भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुरुआत से कि शुरुआत से कैसे शुरू हुआ, ये कैसे बना एक 370 आर्टिकल, एक स्पेशल अनुसंधान क्यों दिया गया उसको, तो ये सब बात करते हैं हम। तो भारतीय संविधान के सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य है जिसको नाम JNK भी दिया गया है वहाँ पर, तो भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य है। इसकी सीमाएँ भारतीय सीमाओं का ही एक भाग है, ठीक है, ये बताया गया, राइट। अब ये भाग एक मतलब अनुच्छेद एक में बताया गया है क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए वो एग्ज़ाम में आजकल डायरेक्टली ये नहीं पूछते कि जो न्यूज़ में दिया गया उसके आसपास की चीज़ें भी पूछ लेते हैं और वो आपसे बननी चाहिए। तो अनुच्छेद एक में जम्मू एंड कश्मीर के बारे में क्या कहा गया है वो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल एज इट इज़ बताया, जैसा कि एम लक्ष्मीकांत बुक में जो लिखा था। और मैं ये जो चीज़ें हैं वो एम लक्ष्मीकांत से सीधा उठाकर आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमको बिल्कुल भी जो ये इन सब चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि न्यूज़ चैनल में जो चीज़ें बता रहा है वो आपको एग्ज़ाम के लिए सूटेबल नहीं है। आपको बुक से रिलेट करके उन सब चीज़ों को पढ़ना, वो आपके एग्ज़ाम के लिए सूटेबल होगा। और आपको मेंस में किस तरह से लिखना वो तो मैं अभी बताने वाला हूँ, राइट। तो आगे चलते हैं। तो संविधान का ये जो है आर्टिकल 370, ये कहाँ संविधान का 21वें भाग पर है, ठीक है। आई होप आपको इतना तो पता होगा कि संविधान के कितने 22 भाग होते हैं, उन 22 भागों में से 21वें भाग में जो अनुच्छेद 370 है इसको मतलब रखा गया है। और इसी 370 के अंतर्गत क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का एक संविधान बनाया गया है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का संविधान किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो संविधान है वो 370 आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 के अंतर्गत आता था। ये भी पूछ सकते हैं भाग, तो एक भारतीय संविधान के 21वें भाग के 370वें अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर का संविधान आता था, राइट है। तो ये है, तो इसको पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसके अनुसार भारत संविधान के सभी उपबंध इस पर लागू नहीं होंगे। कहने का मतलब ये थे कि ये था कि जो 395 जो आर्टिकल हैं भारत के भारतीय संविधान के, तो उन आर्टिकल में से कुछ आर्टिकल अकेले लागू होंगे, बाकी जो ज़्यादातर संविधान था वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था क्योंकि इसका खुद एक संविधान बनाया गया था, राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं हम। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। तो 15 अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी हुई, जिस उसी दौरान कश्मीर भी आज़ाद हुआ था। तो वहाँ के राजा जो उस टाइम पे थे हरी सिंह, तो उन्होंने क्या फैसला लिया कि कश्मीर ना तो भारत में शामिल होगा ना ही पाकिस्तान में शामिल होगा, यह एक स्वतंत्र देश के रूप में या एक स्वतंत्र राज्य के रूप में काम करेगा, राइट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि उस टाइम पे जो राजा थे वो कौन थे या किन्होंने ये जो डिसीजन लिया था भारत में इसका विलय का, कश्मीर के विलय का, तो उस टाइम पे राजा कौन थे, राजा हरी सिंह थे, राइट। अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा हम, फिर क्या हुआ आगे कि उन्होंने शामिल किसी में नहीं हुए। फिर 20 अक्टूबर के 20 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित आज़ाद जो कश्मीर सेना थी, इनको क्या बोला गया, पाकिस्तान समर्थित आज़ाद कश्मीर सेना, राइट। ये और साथ में पाकिस्तान की सेना भी, उन्होंने इसके राज्य पर आक्रमण कर दिए, कश्मीर राज्य के अग्रभाग में आक्रमण करके वहाँ पर कब्जा कर लिए, जो कि अभी POK कहलाता, पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर। फिर जो राज्य के शासक थे महाराजा हरी सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक्चुअली महाराजा हरी सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास है, उन्होंने कहा कि हम विलय तो कर लेंगे भारत में लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, ठीक है। फिर 26 अक्टूबर 1947 पर एक विलय पत्र तैयार किया गया जिसमें किन किन के हस्ताक्षर थे, हरी सिंह और जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए, जो महाराजा हरी सिंह थे। तो उस हस्ताक्षर के बाद भारत में जो विलय था वो कर लिया गया, राइट। फिर क्या हुआ बाद में, फिर इनकी जो शर्तें थी वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो शर्तें क्या थी जो महाराजा हरी सिंह की थी, कि भाई सिर्फ 3 अकेले ऐसे जो विषय हैं उन पर अकेला केंद्र जो होगा, मतलब जो भारत सरकार, जो केंद्र सरकार होगी वो बना सकती है नियम, बाकी और जो अधिकार हैं उन पर केवल नियम कौन बनाएगी, जम्मू एंड कश्मीर राज्य बनाएंगे, ठीक। बाकी और राज्यों में ऐसा नहीं, और राज्यों में ऐसी बहुत सारी सूचियों में जो जो वो आते हैं सब्जेक्ट आते हैं जिन पर बनाते, लेकिन क्या था कि केंद्र जम्मू एंड कश्मीर के जो मामले में केंद्र सिर्फ केवल 3 सब्जेक्ट पर नियम बना सकता था,
राज्य, विदेशी सॉरी रक्षा, विदेशी और संचार, राइट। तो डिफेंस और फॉरेन और कम्युनिकेशन पर ही केवल उस टाइम पे नियम बनाया जा सकता था। तथा उस समय भारत सरकार ने यह आश्वासन दिया था, क्या आश्वासन दिया था, कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक संविधान होगा और इसके फलस्वरूप अनुच्छेद 370 में इसे शामिल कर लिए। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 370 कहाँ पे शामिल किया गया, राइट। अब हम आगे देख तो अब हम देख रहे हैं जो केंद्र है और जम्मू एंड कश्मीर का जो के बीच के जो संबंध है, इससे पहले किस तरह से चलते आए थे और किस तरह से डील करते थे इन सब चीज़ों को, तो उसके बारे में देखते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 370 था इसको किस तरह से लागू किया गया था उस टाइम पे, तो वो हम देख लेते हैं। तो संविधान का जो आदेश था वो राष्ट्रपति द्वारा 1950 में जारी किया गया था, कि राष्ट्रपति ने आदेश दिया था, उसके बाद इसका जो संविधान था उसको जारी किया गया था, राइट। तो किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा आदेश, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि संसद में उसके द्वारा आदेश दिया जाता है, उसके बाद इसको जारी किया गया था, ठीक। तो 1952 में फिर उसके क्या 1952 में क्या हुआ, एक दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता में क्या तय किया गया, तो भाई केंद्र और जम्मू एंड कश्मीर राज्य के जो संबंध है वो किस तरह से होने चाहिए या किस तरह से होने वाले हैं और इनमें क्या क्या आगे चल के क्या क्या संशोधन किया जा सकता, तो इस तरह की जो समझौते हुए थे वो दिल्ली समझौता कहलाया गया, राइट। फिर 1954 में जम्मू एंड कश्मीर का भारत में विलय और दिल्ली समझौता पारित कर दिया गया। मतलब पहले जो उस समय पे विलय पत्र में जो हस्ताक्षर हुए थे वो एक टाइप से कहना चाहिए कि वहीं हो गया था, फिर ये जो था ये औपचारिक कार्रवाई ये फिर बाद में संसद द्वारा जो की गई थी वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, 1954 में हुई थी, तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर का विलय और दिल्ली समझौता ये पारित किया गया, मतलब ये पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। फिर तो अभी हम राइट साइड आते हैं इसमें, तो इसमें क्या लिखा है कि इससे भारतीय संविधान के भाग एक व अनुसूची एक में रखा गया, ठीक है। इसे मतलब किसी जम्मू एंड कश्मीर की बात चल रही, राइट। जम्मू एंड कश्मीर को भारतीय संविधान के भाग एक व अनुसूची एक में रखा गया, लेकिन थोड़ा सा उसमें करेक्शन था। क्या करेक्शन था कि केंद्र व राज्य क्षेत्र संबंधित जो भी इसका नाम है या क्षेत्र या सीमा में जो भी परिवर्तन करना है, मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसे केंद्र को किससे, इसके विधान से सहमति लेनी पड़ती थी, सहमति लेनी पड़ती कि जब तक यदि विधान सहमत नहीं था। विधान का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे राज्य में मध्य प्रदेश या आपका यूपी या कहीं भी विधानसभा और विधान परिषद जो होती हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा ही थी, जो विधानसभा थी तो उसको हम यहाँ पे अभी जो मैंने जो लिखा है ये विधान लिखा है, ठीक है। तो उस विधान से केंद्र को परमिशन लेनी पड़ती थी, किस चीज़ के लिए, कि जम्मू एंड कश्मीर का यदि आपको नाम बदलना या सीमा परिवर्तित करना या कुछ भी बढ़ाना है, क्योंकि राज्य में परिवर्तन होते रहता है, जैसे कि अभी हाल ही में तेलंगाना अलग राज्य बना, तो इस टाइप से यदि कुछ करना है जम्मू एंड कश्मीर के राज्य के अंतर्गत, तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, केंद्र को उल्टा विधानसभा से या विधान से परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है। मैंने जो वही को वही वर्ड एज इट इज़ यहाँ पे बताए हैं जो एम लक्ष्मीकांत बुक में लिखे हैं, मैं फिर से ये बात बता रहा हूँ आपको, राइट। आगे चलते हैं हम, संविधान का जो भाग छठवा था, ठीक है, संविधान के छठवें भाग में क्या था, मतलब क्या है अभी हाल ही में क्या थी कि राज्य की जो परिभाषा वो बताई गई है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के जो मामले में जो राज्य की परिभाषा थी वो लागू नहीं होती है, ठीक है, इससे पहले नहीं होती थी, उसमें राज्य की परिभाषा थोड़ी अलग थी जम्मू एंड कश्मीर के मामले में, ठीक है। अब जो मूल कर्तव्य थे, जो हमारे संविधान के मूल कर्तव्य कौन से भाग में आते हैं, वो आते हैं आपके चौथे का, ठीक है ना, फोर जो भाग होता है, भाग फोर का ए या का बोल सकते हैं आप, ये वाले भाग में आता है वो। तो मूल कर्तव्य तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, जो ये किस में आते हैं, भाग फोर में आते सीधे, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, आई होप आपको ये तो पता होगा कि ये कौन से भाग में आते, क्या आते, ये थोड़े नहीं आते हो तो लूसेंट में जब आप भारत संविधान पढ़ेंगे ना, भारतीय संविधान, तो उसमें शुरू में ही दिए गए हैं कि कौन से किस भाग में, ठीक है, तो वहाँ पर आप पढ़ लेना यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो। तो ये जो चीज़ है, मूल कर्तव्य और राज्य की नीति निर्देशांक तत्व जो थे, ये बिल्कुल ही लागू नहीं होंगे जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। और जो मौलिक अधिकार था भाग तीन में, ठीक है, भाग तीन में जो मौलिक अधिकार थे, सॉरी हैं हमारे जो भारतीय संविधान में, ये कुछ अपवादों व शर्तों के साथ राज्य पर लागू थे, ठीक है, जैसे कि संपत्ति व रोजगार जो का जो अधिकार है वो थोड़ा अलग टाइप का था। कैसे अलग टाइप का था, संपत्ति का अधिकार तो हम अभी बाद में समझेंगे, रोजगार का इस तरीके का था कि जैसे कोई बाहर से यहाँ पे पाकिस्तान से शिफ्ट हुए थे, राइट,
जो भी मतलब शिफ्ट हुए थे, जैसे दलित कोई शिफ्ट हुए थे तो उनको सफाई, उनकी जो पीढ़ी थी वो सिर्फ केवल एक ही काम कर सकती थी इससे पहले, इससे पहले कि मतलब कब की बात करूँ मैं, अभी ये 5 तारीख ये जो अपना 5 अगस्त 2019 है ना, इससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लगभग अभी की ही बात कर रहा हूँ। तो क्या था कि जो पाकिस्तान से जो दलित शिफ्ट हुए थे तो वो जो लोग थे वो केवल सफाई कर्मचारी ही रह सकते थे बस, उनकी जो भी पीढ़ी, उनके बच्चे हों या पोती जो भी हों, वो केवल एक ही काम कर सकते थे, क्या कि केवल सफाई का काम, राइट। तो आप सोचिए कि ये सोच कर कितना बुरा लगता है। तो ये सब चीज़ में अभी 370 का को जो हटा कर ये सब चीज़ों को सुधारने की जो कोशिश की गई है, बहुत ही बढ़िया कोशिश है, राइट। और जो संपत्ति है इसके बारे में अभी थोड़ी देर अच्छी डिटेल में समझेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इमरजेंसी किस टाइप से लागू होती थी पहले। तो आंतरिक संतुलन के जो बिगड़ने की स्थिति होती थी उसमें जो घोषित आपातकाल है, ठीक है, तो वो आपातकाल डायरेक्टली प्रभावी नहीं होगा राज्य जम्मू एंड कश्मीर में, इसकी जो सहमति वो राज्य से पहले लेनी पड़ती थी, और फिर उसके बाद इसको क्या था, फिर इस ये मतलब जो इमरजेंसी वो प्रभाव में आती थी। बाकी और राज्यों में ऐसा नहीं है, जैसे कि भारत में यदि इमरजेंसी लगी तो सारे राज्यों में ऑटोमेटिकली इमरजेंसी लग जाती, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। किससे परमिशन, सहमति लेनी पड़ती थी? राज्य से, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से। फिर राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति द्वारा जो राज्य में जो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता था, ठीक है, जो लगाया जाता है जैसे कि कोई दूसरे राज्य महाराष्ट्र में या कहीं पे भी लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल, तो वो आपातकाल कहाँ पे लागू नहीं होता था? आपका जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था, क्योंकि इसके अधिकार ही नहीं थे। ये मैंने वर्ड लिखा, अधिकार ही नहीं थे पहले, राइट। फिर भारत के संविधान में किसी प्रकार का संशोधन लागू नहीं होता, भारतीय संविधान में किसी प्रकार का जो संशोधन है वो कहाँ पे लागू नहीं होता था? जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर जब तक यह, अब कब तक लागू नहीं होता था, फिर भी लागू कैसे किया जाता, जब तक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा विस्तारित ना हो। राष्ट्रपति आदेश नहीं देगा जब तक इसको, आपको जम्मू एंड कश्मीर में संशोधन लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो मेथड है ना, ये इसी ये जो लाइन लिखी ना जो आर्टिकल में, ये जो लाइन लिखी है पूरा, इसी ने तो बताया कि किस तरह से इसको 370 को हटाया गया। तो किस तरह से हटाया गया होगा 370 को, जो संशोधन करके, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। आपको यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि 370 को किस विधि द्वारा हटाया गया है, तो मैं थोड़ा क्लियर करके बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा विस्तारित करके इसको हटाया गया है, 370 के जो भी उपबंध हटाए गए हैं वो, राइट। अब आगे चलते हैं हम। अब 370 जो है, 370 में जो बदलाव हुए वो क्या क्या हुए हैं, इनसे क्या होगा, राइट। तो पहले रक्षा, विदेश, संचार के जुड़े, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वो अकेले मामले थे, उसको छोड़कर अन्य जो सब्जेक्ट उन पर भी कानून लागू हो जाएगा, ठीक है, सारे सब्जेक्ट पर बना सकते हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर का अपना झंडा था पहले, भारत का झंडा वहाँ पर लागू नहीं रहता, तो भारत का तिरंगा भी अब फहराया जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। अब पहले सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे वो डायरेक्टली लागू नहीं होते थे, वो पहले उनको विधानसभा में बिल पास करना पड़ता था, फिर लागू होता था सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश, राइट है। लेकिन अब क्या होगा, अब डायरेक्टली लागू होगा, 370 में ये बदलाव कर दिया गया है, ठीक है। अब जो उपराज्यपाल है वो सबसे मजबूत होगा। यहाँ पर उपराज्यपाल इसलिए बात करी गई है क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो है अभी केंद्र शासित राज्य बनाया गया है, कौन कौन सा बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर और साथ ही साथ लद्दाख, राइट। अब हम आगे चलते हैं। समान शिक्षा का हक, सूचना का हक, ये पहले नहीं था, सूचना का हक और समान शिक्षा का हक, ये हो गया कि भाई कोई भी, हर कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जो रणवीर दंड संहिता है, रणवीर दंड संहिता उसको ख़त्म पूरी तरह से करके भारतीय दंड संहिता को लागू किया गया, जो ऑलरेडी अभी जो हम जो अपने यहाँ पे लागू होती है नॉर्मल राज्यों में, वही दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता IPC वही लागू होगी, राइट। तो अब हम देख रहे हैं अनुच्छेद 35A के हटने से क्या क्या होगा। तो एक हटने से क्या होगा भाई, शरणार्थियों को नागरिकता मिल जाएगी। कौन से शरणार्थी, जो उस टाइम पे आए थे, जो शिफ्ट हुए थे पाकिस्तान से यहाँ पे, तो कुछ शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिली थी, और बाद में भी जो कुछ है, कुछ समय था उनके बीच में जो
पाकिस्तान से या दूसरे जो अपने पड़ोसी मुल्क से यहाँ आके जो बसे थे, तो उन शरणार्थियों को जो कोई नागरिकता नहीं दी गई थी, तो उनको फाइनली नागरिकता मिल जाएगी। हज़ारों ऐसे शरणार्थी जो कई सालों से जिनको नागरिकता नहीं दी गई है, जो अस्थायी नागरिक थे, तो उनको स्थायी नागरिकता मिल जाएगी, राइट। और रोजगार, शिक्षा, नौकरी से जो वंचित थे, इनको सब कुछ मिलेगा। अब इनको नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा और शिक्षा भी मिलेगी, ठीक है। देखिए तो ये कितना, मतलब ये कितना खतरनाक से बंधा हुआ था, राइट। ये जो कानून था, इसने कितना खतरनाक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को रोक के रखा था। कहने का मतलब ये था कि जम्मू एंड कश्मीर रुका हुआ राज्य था उस तब से, जब से 1947 थे, ठीक है। अब ये सरकारी शिक्षण संस्थानों में भी दाखिले ले पाएंगे। इससे पहले क्या था कि ये सरकारी शिक्षण संस्थान में जो भी शरणार्थी थे वो नहीं पढ़ पाते थे, तो अब वो पढ़ पाएंगे या उनके बच्चे पढ़ पाएंगे, ठीक है। सभी को संपत्ति खरीदने का अधिकार हो गया। सभी को, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो मैं अब वहाँ जाके संपत्ति खरीद सकता हूँ। तो इससे एक बहुत बड़ा लाभ होगा। क्या था कि जैसे कि टाटा कंपनी को अपनी कोई कंपनी डालनी थी वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में, तो पहले वो नहीं डाल सकते क्योंकि संपत्ति खरीदने का अधिकार ही नहीं था, लेकिन अब हम डाल सकते, तो वहाँ पर डेवलपमेंट तेज़ी से अब बढ़ सकता आगे, राइट, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे दोहरी नागरिकता, वही स्थाई अस्थाई वाली, तो वो ख़त्म करके स्थाई कर दी जाएगी। अब पाकिस्तानी अब नहीं बस सकते, ठीक है, पाकिस्तानी यहाँ नहीं बसेंगे। अब पाकिस्तानी पहले कैसे बसते थे, मैं बता रहा हूँ आपको। यदि किसी पाकिस्तानी ने कश्मीरी लड़की से शादी कर ली, तो उसको कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से पाकिस्तानी यहाँ के बस जाते थे। तो अब ये नहीं होगा, ये ख़त्म कर दिया गया है। फिर बेटियों को, की संतानों को अधिकार, राइट। तो देखिए क्या होता था कि जैसे कश्मीरी बेटियां थीं, वो किसी, जो कश्मीरी लड़कियां थीं, उन्होंने क्या किया कि मान लीजिए किसी दूसरे राज्य, किसी उत्तराखंड की किसी लड़के से शादी की, राइट, तो उनको क्या था, संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता था। उनका संपत्ति का अधिकार, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, ख़त्म कर दिया जाता था। तो अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ भी ख़त्म हो चुकी है। अब उनको संपत्ति का अधिकार बराबर मिलेगा। अब महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था वहाँ पर, तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार रहेगा पूर्ण रूप से, ठीक है। तो ये इसके जो मैं हटने से जो फ़ायदे मैंने वो बता दिए कि सभी को समान जो रूप से संपत्ति के अधिकार और सारे अधिकार लगभग समान। देखिए मौलिक अधिकार वहाँ पर पूरी तरह लागू नहीं थे, तो आप सोच सकते हैं कि इसके हटने से जो आम नागरिक है उनको कितना फ़ायदा होने वाला है। और डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, मैंने बताया संपत्ति का अधिकार मिल जाने से अब कंपनियाँ वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती हैं और वहाँ पर लैंड खरीद के वहाँ पर जो भी डेवलपमेंट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार किया जा सकता है। तो उससे कश्मीर को बहुत शानदार तरीके से लाभ होने वाला है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ मोटा मोटा कि इन सब के हटने से क्या होगा, ठीक है। देखिए कि ये जो अब जो भारत का संविधान वो सारे देश में लागू कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि पहले कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में जो भारतीय संविधान वो पूरी तरह से लागू नहीं था, लेकिन अब लागू होगा, राइट। और कश्मीर का अलग से कोई झंडा नहीं होगा, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में भारत का तिरंगा ही लहराएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं वो लागू हो जाएंगे, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं वो डायरेक्टली लागू नहीं होते थे। अभी वहाँ पे फिलहाल में उपराज्यपाल सबसे अधिक मजबूत होगा, ठीक है। और समान शिक्षा का हक वहाँ पे मिलेगा, समान शिक्षा, समान संपत्ति का अधिकार वहाँ पे मिलेगा। और जो इंडियन कोर्ट पैनल IPC की जो धारा है वो वहाँ पे लागू होंगी, और रणवीर दंड संहिता जो है वो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और 35A के हटने से क्या क्या हो जाएगा कि महिलाओं को हक मिल जाएगा, सरकारी नौकरी में बराबरी होगी, और साथ ही साथ वहाँ पे जो आरक्षण वो भी लागू किया जाएगा। और 10% आरक्षण भी अभी उस पर भी राज्यसभा में मोहर लगाई जा चुकी है। और साथ ही दोहरी नागरिकता, मतलब स्थायी अस्थायी वाली जो नागरिकता वो ख़त्म कर दी जाएगी और सिर्फ स्थायी नागरिकता होगी। पाकिस्तानी जो है वो अब यहाँ पर नागरिक नहीं हो सकते, क्योंकि जो वो पहले ऐसा करते थे, कश्मीरी लड़की शादी करके यहाँ की नागरिकता हासिल कर लेते थे जम्मू एंड कश्मीर की और यहाँ बस जाते थे, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होगा। और जो बेटियाँ थीं उनको, उनकी जो संतानें थीं, अब उनको भी अधिकार मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। और जो शरणार्थी जो थे, कई सालों से शरणार्थी, ऐसा शरणार्थी रह रहे थे, अस्थायी सदस्यता उनको बस मिली थी, तो उनको भी स्थायी सदस्यता मिल जाएगी, राइट। तो ये जो चीज़ें थी ये मैंने मोटी मोटी फिर से बता दी आपको। तो ये चीज़ आपको इतनी याद रखनी है। आई होप आपको वीडियो क्लियर हुआ हो। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप यदि पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।